A chapter, The Living World. This is the first chapter of your class 11 syllabus, and in this we are going to talk about the living things and the biodiversity, and then also how do we basically classify these organisms. So all this we are going to study in this particular session, and now let us talk about what all things are available around you. They can be distinguished or classified into living and non-living. There has to be some basis. अब कुछ basis है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि ये organism जो है या ये चीज जो है that is a living thing, this is a non-living thing. तो उनके कुछ basic features होते हैं which I am going to discuss with you. तो अब जैसे हम first feature अगर लेके चलें तो that is growth. जो अब growth की अगर मैं बात करती हूँ तो increase in mass and increase in number of individuals वो growth के अंदर आ जाएगा. Then second I will talk about is reproduction, that is production of individuals possessing features more or less similar to those of the parents. Third है फिर metabolism, जिसमें कि sum total of all chemical reactions in the body. Fourth है cellular organization of a body, that is कि जो body है वो different वो large number of cells में से बनी हुई होती है और वो अलग अलग groups के अंदर हम उनको study कर सकते हैं. Then we talk about consciousness. जितने भी living organisms हैं, they will have the ability to sense their surroundings और respond कर सकते हैं अपने आसपास जिस तरह का भी कोई उनको environmental stimulus मिलता है, उसके response में they can act. तो एक एक करके अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँगी growth की. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन ऑल ग्रो. अब आप कहोगे कि नॉन लिविंग चीज़ें भी तो साइज में बड़ी हो रही हैं. फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन की बात करें, कुछ सैंड ड्यून्स की बात करें, वो बड़े हो सकते हैं. तो बेसिकली वहाँ इकट्ठा तो हो रहा है बट दैट इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी. तो जो सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है, जो लिविंग सिस्टम के अंदर ग्रोथ हो रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर वो इंक्रीज इन मास जो होता है वो फ्रॉम इनसाइड हो रहा है, इनसाइड अ बॉडी, उसकी हम बात करने वाले हैं. और मोर ओवर हम एक चीज को नहीं क्राइटेरिया बना सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का. ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में भी देखी जा सकती है, उनका भी इंक्रीज इन मास देखा जा सकता है. पर जब हम कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम सिर्फ एक चीज को नहीं, हम बहुत सारे फीचर्स की बात करते हैं कि ये सारे फीचर्स वो चीज दिखा रही है या नहीं दिखा रही है. तो इस वजह से उस ग्रोथ को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते फॉर लिविंग. तो जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे साइज इंक्रीज होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो दैट अकाउंट्स फॉर ग्रोथ. अब प्लांट्स के अंदर जो इस तरह की ग्रोथ है दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन एनिमल्स जो है वो एक पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर लाइफ तक ही उनमें इंक्रीज इन साइज देखा जा सकता है. आफ्टर दैट अगर सेल डिवाइड भी करते हैं दैट इज to replace the lost cells. जो lost cells may be by because of natural death of the cells या फिर loss due to the wear and tear, कोई injury होती है तो उसकी वजह से, तो वहाँ replace करने के लिए उनमें growth होती है. तो ये जो growth है ये multicellular organisms में this leads to increase in mass and size. लेकिन जो unicellular organisms होते हैं, जो single celled organisms होते हैं, उनके अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो वो क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं. तो दैट आल्सो कम्स अंडर ग्रोथ. लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रोथ है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट विल आल्सो बी टेकन अंडर और कंसिडर्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट फीचर है. क्योंकि वहां पे वो एक से दो सेल बना रहे हैं और दोनों सिमिलर हैं. अब जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट्स. तो आपने क्लास 10 में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, हमने दो तीन तरह के प्रोसेस पढ़े थे. बेसिकली दो थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा जब हम बात करते थे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जो प्रोजनी आता है उसमें वेरिएशन रहता है, उसमें दोनों के पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं. तो उनमें दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स. लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट होता है, तो एक पेरेंट की थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जैसे कभी स्पोर फॉर्मेशन से कह लो या फिर आप कह लो
बडिंग है एक प्रोसेस जो हाइड्रा और आपने पढ़ा था, यीस्ट के अंदर आपने पढ़ी थी। देन बाइनरी फिजन है जो आपने मतलब एक सेल टूट के दो सेल बना देता है, दैट यू स्टडीड अमीबा। देन देर वॉज मल्टीपल फिजन जो आपने प्लाज्मोडियम में पढ़ा था। एंड देन देर इज फ्रेगमेंटेशन जो आपने पढ़ा था कि एक अगर किसी की लिविंग बॉडी जैसे प्लेनेरिया है वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको फिर वो क्या करता है, हर एक पार्ट जो उसका होता है दैट कैन ग्रो इन टू अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, प्रोजनी बनती है, विच इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी विच इज सिमिलर मोर लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो इवन सेक्सुअल प्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टर फादर से होते हैं, कुछ मदर से होते हैं, बट देर इज सिमिलैरिटी, नॉट कम्प्लीट सिमिलैरिटी, लेकिन ए सेक्शन में कम्प्लीट सिमिलैरिटी। उसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं जिससे कि एक प्लांट्स आर शोइंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट दे आर ऑल्सो शोइंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक ही प्लांट से नेक्स्ट जो जनरेशन है वो तैयार हो जाती है। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी। लेकिन हम कहें कि रिप्रोडक्शन अकेली क्राइटेरिया हो लिविंग होने का, दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, बिकॉज वी हैव सीन वेरियस ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे वर्क हनी भी, वर्किंग वो क्वीन हनी भी होती है, वो आप वर्किंग हनी बीज जो होते हैं दे आर स्टेराइल। देन यू सी जो जो स्टेराइल कपल्स होते हैं कई बार वो कैनॉट रिप्रोड्यूस, दैट डजंट मीन दे आर नॉट लिविंग, राइट। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी रहते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं बट ऑब्वियसली दे आर स्टिल लिविंग। तो फिर आ गए हम मेटाबॉलिज्म में कि जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स रहते हैं, केमिकल्स बाहर भी रिएक्शन दिखाते हैं जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन जब वो लिविंग बॉडी के अंदर रिएक्शन दिखाते हैं तो जिसकी वजह से हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस पॉसिबल हो पाते हैं, तो उन प्रोसेसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म जो इवन अगर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से अगर ये केमिकल दिखा के इन विट्रो कंडीशन भी अगर केमिकल रिएक्शन करवाए जाएंगे तो उनको लिविंग रिएक्शन ही कहा जाएगा, लेकिन जो नॉन लिविंग कंडीशन है या विट्रो कंडीशन है, लैबोरेटरी कंडीशन, उसको हम लिविंग बींग नहीं कह सकते अगर ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पर भी हो रहे हैं। तो फॉर दैट मैटर दे हैव टू हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि सेल के अंदर जब ये हो रहे हैं तो ये मेटाबॉलिज्म इज बेटर टॉक टू अबाउट एज अ बीइंग अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी के अंदर, वन इज कैटाबॉलिज्म, अदर इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें बड़ी चीज टूटकर छोटी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, और एनाबॉलिज्म होता है जिसमें छोटी चीजें जुड़कर एक बड़ी चीज बनाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जैसे आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है दे आर जॉइनिंग टुगेदर टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। तो ये छोटे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक बड़ी चीज बनाई है, दिस इज एनाबॉलिज्म। और वहीं पर जब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, तो जैसे कि अगर इसी का मैं रिवर्स देखूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटा है, सो दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म इज लाइक एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दे बोथ कम अंडर मेटाबॉलिज्म ओनली। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन इसके लिए लिविंग सेल का होना जरूरी है वहां पे, जो कि जिससे हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। तो हर लिविंग बॉडी जो है उसका बेसिक यूनिट जो रहता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, दैट इज सेल। और ये सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं एक तरह के सेल्स, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और वो जो टिश्यूज हैं, व्हेन दे गेट टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कैन गेट टुगेदर, अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन। तो उस ऑर्गन की जब हम बात करते हैं कि ये दो चार अलग अलग ऑर्गन्स जब एक तरह का फंक्शन करते हैं, एक तरह के पर्पस के लिए दे आर फंक्शनल, तो हम उनको ऑर्गन सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसमें कुछ ऑर्गन हैं लाइक नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकियोज एंड योर देर इज लंग्स। तो ये चार अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये अलग अलग टिश्यू से बने हैं, वो आगे अलग तरह से बने हैं, लेकिन ये सारे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। दैट इज व्हाई दे आर स्टडीड अंडर वन पर्टिकुलर और क्लासिफाइड अंडर वन पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग सिस्टम हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये सब अलग अलग सिस्टम्स जो हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे के सारे
एक बॉडी का हिस्सा हैं और ये सारे अपना अपना काम करते हुए एक लिविंग बॉडी को सस्टेन और मेंटेन करते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे प्लांट में लीव्स हो गए, उनके ब्रांचेस हो गए, रूट्स हो। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू कॉन्शियसनेस। अब देखो कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं तो एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। तो जब नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, आपको पता है, जो सिर्फ लिविंग है वो रिएक्ट करती हैं। जो प्लांट्स का हमने रिएक्शन देखे थे, वी हैव सीन इन प्रीवियस क्लासेस, लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, देन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। तो हमने कहा था प्लांट्स जो हैं इन सब में कीमोट्रोपिज्म में जैसे केमिकल्स के रिस्पॉन्ड करते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर को रिस्पॉन्ड करते हैं, जियोट्रोपिज्म में दे मूव टुवर्ड्स ग्रेविटी, एंड इन फोटोट्रोपिज्म जो है हमने सनफ्लावर का एग्जाम्पल देखा था, इट मूव टुवर्ड्स द लाइट। तो ये उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनको हम सेंस कर सकते हैं और हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं और उनसे हम सेंस करते हैं, प्लस हम फिर रिएक्ट करते हैं। और ह्यूमन बींग्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो ह्यूमन बींग्स में तो सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस भी अवेलेबल होती है, वेयर वी कैन फील एंड रिएक्ट टू वेरियस थिंग्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब आपको पता है कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लेकिन हमें सबके बारे में भी नहीं पता है। हमें जिनके बारे में पता है, जिनको डिस्क्राइब कर दिया जा चुका है, दैट रेंज इज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसे वो हैं जिनके बारे में हमें पता है। और इनको भी अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करना, इनके कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, इनको नेम देना ताकि इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करा जा सके और इनको फिर और अच्छे से स्टडी किया जा सके, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं दीज आर इन्वॉल्व। नॉमेनक्लेचर बेसिकली प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम्स। कैसे नेम? नॉट नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में जो हम नाम बुलाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, वैसे नहीं, बल्कि उनको बायोलॉजिकल नेम देना है, स्टैंडर्डाइज नेम देना है जो कि वर्ल्ड ओवर सेम हो, इनका कॉमन हो, ताकि अगर एक पार्ट में अगर उनकी बात हुई है तो दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। आइडेंटिफिकेशन उनका डिस्क्राइब करने का प्रोसेस है, उनके फीचर्स को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है, कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है। और फिर हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जो दो हिस्सों में बांध दिया है नॉमेनक्लेचर करने वाली संस्था को, जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN है वो एनिमल्स को करेंगे क्लासीफाई, जो ICBN है वो जो है दे विल क्लासीफाई और दे विल नेम, नॉट क्लासीफाई एक्चुअली, नेम द प्लांट्स। Now I am going to talk about binomial nomenclature. So, Carlos Linnaeus has described the system of naming the organisms, and in this each name has two components. One is the generic name and the other is specific epithet. So, other you can say that we have already said ki jo naam hona chahiye wo sab universally har jagah ek hi hona chahiye, aur कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स के नाम सेम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं दे आर जनरली रिटन इन लैटिन। ये फोर रूल्स हैं, दे आर नॉर्मली आस्क्ड, राइट, यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन दीज रूल्स। सो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। मतलब कि ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी पहली बार डिस्कवर हुआ हो लेकिन उसका जो नेम है वो लैटिन में ही लिखा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर,
while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. अब इसमें देखो, Mangifera जो है उसमें first word जो है that is basically genus और उसका जो M है वो capital है और indica is a specific epithet और इसका I जो है that is small. तो अब हमने ये देखना है कि जब भी आप नाम लिखोगे और इनको अलग अलग, ये तो जैसे इटैलिक्स में हो गया तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन अगर इसी को आप हैंड रिटन लिखोगे, आप खुद लिखोगे, तो आप Mangifera को अलग अंडरलाइन करोगे और इंडिका को अलग करोगे. इन दोनों को अगर आपने मान लो कि सेम अंडरलाइन कर दिया, एक ही लाइन से अंडरलाइन कर दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है.